सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हम वीडियो में कवर करेंगे कि व्हाट हिस्ट्री टीच अस, ठीक है। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, क्या पढ़ाती है। एंड सेकंड टॉपिक इज़ मेजरिंग द पास्ट, ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक इज़ हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। So now we start our time, our class without wasting the time. Now, what history teaches? We study history to learn about the people and event of past. हम history किस लिए पढ़ते हैं? हम history इसलिए पढ़ते हैं कि हमें लोगों, मतलब लोग और इवेंट्स के जो वो इवेंट होते थे जो पास्ट में, उसकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो वी स्टडी हिस्ट्री टू लर्न अबाउट पीपल एंड द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द हीरोज एंड द कोवर्ड्स। हिस्ट्री किसके बारे में बताते हैं? हिस्ट्री टेल अस अबाउट द हीरोज एंड कोवर्ड्स एंड द सेंट एंड द बेक्ट। हीरो, हीरो और कौन से? हीरो और कोबार्ड। हिस्ट्री हमें किसके बारे में बताता है? हीरोज और कोबार्ड, सेंट्स और बेक्ट, फ्री एंड स्लेव थ्रू सच डायलेक्ट, ठीक है। इट डेवलप अ सेंस ऑफ जजमेंट इन अस। ये एक क्या डेवलप करता है हमारे माइंड में? सेंस ऑफ जजमेंट, ठीक है। हिस्ट्री ऑल्सो टीचर्स द ट्रेडिशन एंड आइडियल्स दैट मेक अवर वे ऑफ लाइफ। हिस्ट्री और हमें किसके बारे में बताता है, क्या बताता है? हिस्ट्री हमें किसके बारे में बताती है कि जो ट्रेडिशंस हैं और जो आइडियल्स हैं उनके बारे में बताती है कि वो हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑल्सो टीचर्स ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स दैट मेक अवर वे ऑफ लाइफ। वी लर्न अबाउट द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द पास्ट। हम इसमें देखते हैं, हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो एम्पायर्स होते थे पुराने ज़माने में, मतलब पुराने और पास्ट की स्टडी कर रहे हैं ना, तो पास्ट मतलब बहुत पहले क्या होते थे, एम्पायर्स होते थे, मतलब राज्य होते थे। एंड हाउ दे रोज टू स्ट्रेंथ एंड ग्लोरी एंड देन डिक्लाइन। कैसे उन राज्यों की स्थापना हुई, कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने उसमें चेंजेस, या कैसे उसमें पीपल्स रहते थे, या कैसे उसमें डेवलपमेंट होता था, और कैसे वो डिक्लाइन हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट पैरा इज History also teaches moral understanding, studying the story of individual and situation in the past. History हमें और किसके बारे में सिखाती है? Moral understanding, ठीक है, मतलब behavior and other how we treat with society, ठीक है। Studying the story of individual, मतलब किसी की कहानी पढ़कर, ठीक है। एंड सिचुएशन को देखकर जो पास्ट में होती है, ठीक है, जो हम जब हम पढ़ते हैं कि क्या सिचुएशन थी, का क्या कहानी थी, तो एक स्टूडेंट के माइंड में थॉट आता होगा कि उनके साथ में, या मतलब हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं कि समटाइम्स वी हियर दैट कि उस, मतलब किसी में बोलते हैं कि ऐसे किसी ने उसके साथ क्या किया, रूल किया उस एम्पायर में, किसी ने क्या किया था, रूल किया था, और उस टाइम पे जो वो थे, उसके जो सिटीज़न, जो पीपल्स थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही वो दुखी रहते थे। तो वी थिंक अबाउट अस दैट वी आर नाउ इंडिपेंडेंट। तो हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं, तो हम मतलब कुछ भी बात सुनते हैं तो फिर हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि हाँ
कहीं हमारे साथ भी ऐसा ऐसे। तो क्या हुआ, तो पास्ट अलाउ हिस्ट्री टू एक्सेस देयर ओन एथिकल सेंसेस, मतलब हिस्ट्री को हम पढ़कर अपने हम अपना खुद का ओन एथिकल सेंस एंड कंपेयर इट विद द रियल लाइफ, फिर हम उसे वही बात है कि फिर हम उसे अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि हम किसी पास्ट में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर हम उसे क्या देखते हैं कि यार ये तो हमारी रियल लाइफ में भी है, या किसी बहुत बार नहीं भी होता है ऐसे। डिफ़िकल्टीज इंडिविजुअल फेस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम, जो कठिनाइयाँ उस समय पर देखेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एम्पायर में जैसे कि वो रूल करता है, किंग जो रूल करता है, तो जो उसके सिटीजन्स होते हैं उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की होंगी और क्या प्रॉब्लम और मतलब बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पे, तो हम उसको अपने आज से कंपेयर करते हैं कि आज तो ऐसा नहीं है, कि आज हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, कि हम ऐसे तो नहीं थे या हम नहीं हैं ऐसे, तो और हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस टाइम पे, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, ठीक है ये। सो पीपल हु हैव अंडरगोन एडवर्साइट्स इन हिस्टोरिकल सर्कमटेंसेस गिव अस इंस्पिरेशन, ठीक है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी नॉट ओनली ऑफ वेनरेबल हीरोज, हिस्ट्री मतलब उसकी स्टडी नहीं है कि बस अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो, उसकी स्टडी नहीं है, और ना ही ये जो अच्छे अच्छे मतलब मैन थे और अच्छे अच्छे वूमेन हैं उनकी भी स्टडी नहीं है, मतलब केवल उनकी ही नहीं, हु सक्सेसफुली वर्क थ्रू मोरल डिलेमा, सिर्फ उनकी स्टडी नहीं है जिन्होंने सक्सेसफुली वर्क किया है मोरल डिलेमा के साथ, पर उनकी भी स्टडी है। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, ये किसकी स्टडी है, ऑर्डिनर इसमें क्या है, हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो अच्छे थे और जो मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया सिर्फ उन्हीं के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता हो, ज़रूरी नहीं है। हिस्ट्री में जो और भी लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, जो लेसन इन जो हु प्रोवाइडेड लेसन इन करेज एंड कॉन्साइंसियसनेस, मतलब उनके बारे में भी वो बताते हैं, हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं हम कि उसमें क्या करते हैं कि हु प्रोवाइड लेसन इन करेज, मतलब जिन्होंने हमें साहस का लेसन सिखाया, और किसका, हमारे जो कर्तव्य है, कर्तव्य कैसे किए उन्होंने, हमें कर्तव्य करना सिखाया, वो भी पढ़ते हैं हम, ठीक है, हिस्ट्री में वो भी सीखते हैं, हिस्ट्री हमें वो भी सिखाती है। सो नाउ वी स्टार्ट अवर सेकेंड टॉपिक इज मीन्स सब टॉपिक मेजरिंग द पास्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री द टू स्टडी हिस्ट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम, अगर हम हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को समझ रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरी है समझना, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को समझना, ठीक है। तो इसमें हम टाइम को समझना सीखेंगे, जैसे कि द पास्ट इज मेजर्ड इन ईयर्स, पास्ट किस में मेजर होता है, ईयर्स में, ठीक है, साल में, ठीक है। तो द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज टेकन एज रिफरेंस पॉइंट, क्या बताया इसमें, जो क्रिस्ट का बर्थ है उसको हम रिफरेंस पॉइंट की तहत ले रहे हैं। द ईयर बिफोर क्रिस्ट वॉज बॉर्न आर रिटन एज बीसी, मतलब जब क्रिस्ट का जन्म हुआ था, क्रिस्ट का, तो उसके पहले का जो पहले के जो ईयर्स थे जब वो बॉर्न हुए, तो उसके पहले के जो ईयर्स थे उनको हम किस में लिखेंगे, बीसी में, ठीक है। और बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के जन्म के बाद भी हम उस ईयर को किस में लिखेंगे, बीसी में। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि इसमें गिवन है कि 3000 बीसी मींस 3000 ईयर बिफोर क्रिस्ट वॉज बॉर्न, इसका मतलब है कि 3000 बीसी मींस इसका 3000 बीसी का मतलब है कि 3000 साल पहले जब क्रिस्ट जो थे वो पैदा हुए थे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वो जो टाइम पीरियड था वो किस में मेज़र किया जा रहा था, बीसी में, जब क्रिस्ट का जन्म हुआ था, तो जो टाइम पीरियड था वो किस में मेज़र किया जा रहा था, बीसी में, ठीक है।
Nowadays, BC is also written as BCE. अब क्या है कि BCE को हम और कैसे लिख सकते हैं, BCE, जो कि क्या है, बिफोर द कॉमन एरा. ठीक है, एक तो हो गया BC, अब BC को हम और कैसे लिख सकते हैं, BCE, जो कि क्या है, बिफोर द कॉमन एरा. और क्या लिख सकते हैं, AD. AD stand for Anno Domini, meaning in the year of Lord. और AD को हम क्या, AD stand किसके लिए करता है, AD stands for Anno Domini, और इसका meaning क्या है, the year of the Lord. Any event that occurred after the birth of Jesus Christ is written as AD. मतलब जो भी कुछ इवेंट हुए जीजस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उसको हम कैसे लिखेंगे, एडी में. ठीक है, कैसे लिखेंगे, एडी में. और जो उनके बर्थ के पहले वाला टाइम था और जब उनका बर्थ हुआ, तो उस टाइम को हम किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बीसी में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, 1947 में. ठीक है, 1947 में. एडी मीनिंग 1947 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. मतलब एडी क्या है, एडी किससे मीन करता है, एडी मीनिंग 1947 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी ई. इसको हम सी ई भी लिख सकते हैं, मतलब कॉमन एरा. ठीक है, इसको हम कॉमन एरा भी लिख सकते हैं. समटाइम्स यू मे ऑल्सो केम अक्रॉस डेट. बहुत बार हमको ऐसी डेट्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि 12, मतलब स्मॉल सी है, फिर इसको 1250 बी सी, ठीक है, ऑब्लिक बी सी ई. इसका मतलब ये है, हेयर द स्मॉल सी स्टैंड फॉर क्रिका. मतलब इसमें क्या है, जो स्मॉल सी है उस, वो क्या है, किसके लिए स्टैंड कर दिया, क्रिका के लिए. और क्रिका क्या होता है, अब ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्रिका क्या होता है, तो क्रिका इज़ अ लेटिन फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली. मतलब जो ये किससे वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, लेटिन वर्ड इसका क्या है, अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, वैन अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, कि वैन द एग्जैक्ट डेट ऑफ एनी इवेंट इज नॉट नोन, क्रिका इज यूज. जब हमें किसी भी इवेंट की एग्जैक्ट डेट, मतलब बिल्कुल सही तारीख नहीं पता होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिका. ठीक है, मतलब, और ये इसका सिंबल क्या है, स्मॉल सी. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. ठीक है, फॉर कन्वीनियंस हिस्टोरियन हैड्स हैव क्लासिफाइड द पास्ट इनटू हिस्ट्री. ठीक है, एंड प्री हिस्ट्री. जो हमारे जो हिस्ट्री है वो किस में क्लासिफाइड हुई है, प्री हिस्ट्री में, और दो टू पार्ट्स में क्लासिफाइड हुई है, एक हिस्ट्री और एक प्री हिस्ट्री. ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ अ मैन स्टार्टेड व्हेन मैन लर्न हाउ टू राइट. हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई, जब क्या किया था इंसानों ने, मैन ने क्या पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो दे बिगेन टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टाइम, दिस पीरियड इज नोन एज हिस्ट्री. अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कि हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी, जब इंसानों ने क्या कर लिया था, लिखना और पढ़ना जो है समझ लिया था, जिससे कि क्या कर दे, जिससे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, कि वो रिकॉर्ड्स बनाने लगे थे, क्योंकि पहले तो वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, तो उन्होंने क्या, वो क्या बनाने लगे, अपने रिकॉर्ड्स बनाने लगे. और वो उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, दिस पीरियड इज़ नोन एज हिस्ट्री. तो हम एक इसकी डेफिनेशन ये बता सकते हैं, कि हिस्ट्री स्टार्टेड व्हेन मैन एंड मैन एंड वुमेन्स स्टार्टेड लर्निंग एंड राइटिंग एंड दे आल्सो बिगेन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ टाइम. ठीक है, उसको हम, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री.
So the time before man began writing is called prehistoric era. मतलब the time before man began writing, जो समय मतलब जब writing जो इंसानों ने मतलब पढ़ लिखना और पढ़ना सीखा नहीं था उसके पहले वाला time क्या जो था उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीहिस्टोरिक एरा। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री में मतलब इंसानों ने उस टाइम पे क्या करना सीख लिया था, लिखना और पढ़ना सीख लिया था, जिससे वो अपने जो रिकॉर्ड्स थे वो मेंटेन कर सकते थे, ठीक है। पर इधर क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है कि जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था उसके जो पहले वाला टाइम था उसको हम क्या बोलेंगे, प्री हिस्ट्री, ठीक है, जब उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। तो प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड दैट बिगेन द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग अबाउट 5 मिलियन ईयर्स एगो एंड एंड विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। प्री हिस्ट्री का पीरियड कौन सा है, जब मतलब ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस मतलब जब इंसानों की प्रजाति जो थी वो पृथ्वी पे आने लगी, आई थी, जो मतलब इंसान जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी अपीयरेंस होने लगी थी, उनकी स्टार्टिंग होने लगी थी अर्थ पे आने की। और जो उसका टाइम पीरियड क्या था, जैसे कि अबाउट 5 मिलियन ईयर है वो, ठीक है। तो एंड एंड विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, वो कब स्टार्ट हुआ था, 5 मिलियन ऑफ ईयर है वो, और उसकी एंडिंग कब हुई, एंडिंग कब हुई उसकी, जब वो उन्होंने इन्वेंशन कर लिया राइटिंग का। जब उन्होंने इन्वेंशन किया राइटिंग का तो ये जब राइट मतलब पढ़ना सीख गए लिखना सीख गए तो वो किस में आ गया फिर, हिस्ट्री में, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री जब ख़त्म हुई, जब हिस्ट्री स्टार्ट हुई, और हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई, जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल टू पॉइंट आउट व्हेन एग्जैक्टली प्री हिस्ट्री एंडेड एंड हिस्ट्री बिगेन, सिंस इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। इन इजिप्ट फॉर इंस्टेंस इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट प्री हिस्ट्री एंडेड अराउंड 32 BCE। इजिप्ट ने क्या देखा है, इजिप्ट ने क्या कहा है कि जो वो उनने ये एक्सेप्ट किया है कि जो प्री हिस्ट्री है वो कब एंड हुई, 3200 BCE में। और एक तरफ देखा जाए तो जो न्यू गिनिया है उसने क्या कहा है कि इट इज़ सेट मच मोर रिसेंटली एट अराउंड 1900 BCE। तो उसने क्या कहा है कि उन वहाँ प्री हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री कब ख़त्म हुई, 1900 CE। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री जो है कब ख़त्म हुई, ठीक है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू नो अबाउट द लाइफ्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है कि जो हमसे पहले जो लोग रहते थे उनके वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ के बारे में जानना। वी डिपेंड मेनली ऑन टू सोर्सेज। जब हमें पहले के बारे में जानना है तो हमें दो सोर्सेज क्या करना चाहिए, दो सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। पहला जो है विच गिव अस इंफॉर्मेशन, हमें सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमें जानकारी दें, क्योंकि तो हमें पहला सोर्स है आर्कियोलॉजी सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। तो पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एंड दूसरा जो सेकंड सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। तो वाइल प्री हिस्ट्री इज़ अ एसेंशियल रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फॉर्मर हिस्ट्री, ये क्या है कि जो प्री हिस्ट्री है वो क्या है, एसेंशियली है फ्रॉम द फॉर्मर हिस्ट्री, इज स्टडीड मेनली।